So let us start with this differential equations, a very important topic of calculus and the last topic of calculus, right? Calculus जिसकी weightage 44% की है आपके board exam में और competitions में भी almost like 27-33% weightage इसका किसी भी competition में होता है, चाहे तुम JEE की बात करो, NDA की बात करो, SCR, किसी भी exam की बात करोगे, you will find almost 27-33% questions calculus से होते हैं. So here we come to the last topic in the top in the bigger topic of calculus, that is differential equations. अभी तक हम लोगों ने differentiation, integration, definite, indefinite, right, area under bounded region, सारी चीज़ों को हमने ठीक ठीक से सीखा है, right? अब यहाँ पे भी हमारी यही कोशिश होगी कि यहाँ पे भी हम चीज़ों को समझ के करें, ठीक है? तो आओ, let us start with differential equations. As the name suggests, differential equations, right? Equation का मतलब तो आपको पता ही है. यहाँ किसी ना किसी चीज को इक्वेट करेंगे. बिल्कुल सिंपल, आप लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, राइट, 2x + 3y = 7, राइट, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन, राइट, लीनियर इक्वेशन इक्वेट कर रहा है, राइट, LHS से RHS से इक्वेट कर रहा है. तो इस तरह की चीजें क्या होती है, इक्वेशन. तुमने 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा था, राइट, कुछ इस तरीके की चीज, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2. यहाँ पे तुम x को सॉल्व करते थे, यहाँ पे x और y को सॉल्व करते थे, कुछ भी है, राइट. तो ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर इक्वेशंस. तो वैसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब डिफरेंशियल्स आपने कर रखा है, राइट, यू नो कि जब किसी फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं वी गेट dy/dx, अगर y इज इक्वल टू fx दे रखा है तो, राइट, इसको हम लोग कई बार y डैश से भी डिनोट करते हैं, यू रिमेंबर दैट. देन यू हैव अनदर, कि अगर तुमने उसको दो बार डिफरेंशिएट करा तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, राइट, दिस इज वॉट, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. आई होप यू रिमेंबर वॉट इज दिस, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. और तुम्हें जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी आने वाले 5-7 मिनट में जो इतना टॉपिक हम फिनिश कर लेंगे उससे तुम्हें जेई मेन्स लेवल तक के क्वेश्चन मिलते हैं, राइट, यू विल बी मोर देन हैप्पी टू लर्न दैट. बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, जेई में, मतलब हर एग्जाम में ये जो ऑर्डर और डेरिवेटिव जो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है इसमें तुम्हें, इससे तुम्हें हर लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है. बहुत इजी टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आसानी से इसको समझ में आ जाता है. ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड, दो बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया, दिस कॉल्ड व्हाट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. एंड आई आल्सो होप दैट यू अंडरस्टैंड, ये जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बेटा, इसमें व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स, ठीक है. तो ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए, राइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, जिसके रिस्पेक्ट में हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं वही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स. डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्वाइट ऑब्वियस क्या हो जाएगा इस केस में, मेरे पास वाई हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट वुड बी वाई, ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन. nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाता था, डी एन वाई ओवर डी एक्स रेज टू द पावर एन, और इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. अब इंडिपेंड एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये सब डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, राइट, इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो डेरिवेटिव्स होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होने चाहिए, सिंपल इक्वेशंस है तो जनरल वेरिएबल्स होने चाहिए. ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, किसका होगा, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर dy by dx है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है में होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है. dy by dx इस तरीके से इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ओके. तो अभी तक जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो तुम्हारे पास एक है x dy by dx प्लस d2y over dx square is equal to, let's say, y. Randomly मैंने कुछ एक equation बनाने की कोशिश की है, right? क्या ये differential equation है? हाँ है. क्यों? Because इसमें मेरे पास derivatives हैं, right? I have derivatives, okay? तो इस तरह के कोई भी equation है, right? ये this can be one example. आप इसमें ऐसा और भी example ले सकते हो. Suppose करो आपके पास कुछ ऐसा equation आ गया that you have dy by dx whole square is equal to sin x, right? Is it a differential equation? Yes, it is a differential equation.
तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली क्या होगा, उसमें डेरिवेटिव्स होंगे और तुम्हारे पास इस तरीके से वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई के, ठीक है, चाहे वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, इस तरह के तुम्हारे पास वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलोगे, ओके। ऑल राइट, आइए इसमें थोड़े और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स में सबसे पहले ये समझेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। तो देखो, ऑर्डर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, राइट, यू दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। ऑर्डर क्या है कि कितनी बार उसे डिफरेंशिएट किया गया है, राइट। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर वन की, तो इसमें मेरा ऑर्डर कितना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर इज टू, राइट। मतलब जो भी मैक्सिमम टाइम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव जो होगा, जो भी टर्म है मेरे पास जिसको मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में मेरा ऑर्डर कितना है, द ऑर्डर इज वन, बिकॉज इट इज डी वाई बाई डी एक्स, इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड जस्ट वंस, ठीक है। तो ऑर्डर इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, राइट, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस ऑर्डर। मैक्सिमम जो भी डिफरेंशिएट किया गया उसी को ऑर्डर बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, राइट, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस एनीथिंग, लेट्स से प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। रैंडमली मैंने कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, तो ऑर्डर आपको पता है, जो भी मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ वही होगा। तो इसका ऑर्डर बड़े आसानी से आप सब लोग क्या बोलेंगे, दैट द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज थ्री। तो ऑर्डर देखने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आती है, राइट। देयर इज अ सेकंड एस्पेक्ट इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। द सेकंड एस्पेक्ट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि हम डिग्री में भी यहाँ पे इस चीज को समझेंगे। देखो, पहले इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इस बात को अप्लाई करते हैं एग्जांपल में। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब द पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में है क्या, मैं आपको याद दिलाता हूँ। पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती थी, अगर पी एक्स में मेरे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो हम लोग क्या बोलते थे, दैट इट इज पी वन एक्स रेज टू द पावर एन, पी टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, एंड सो ऑन। It continues till where? It continues till pn and let's say x raised to the power 0 into y, कुछ भी ऐसा, ठीक है। अब polynomial equations में क्या होता था, अगर तुम्हें ध्यान है कि n is only a whole number, ये जो n है ये सिर्फ एक whole number हो सकता है। It can never be negative, it can never be any fraction, it can only be whole number, राइट। इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 0, राइट। तो ध्यान रखना, इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन होना कंपलसरी है। कभी भी हम लोग जब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड होती है व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स होंगे, जैसे एक्स एन की जगह पे क्या हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, राइट। इन इट्स डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर 3 रेस टू दी पार 4, कुछ भी, राइट। पी टू की जगह पे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि इसकी जो पार होगी वो कभी भी कोई रेडिकल नहीं होगी। रेडिकल का मतलब समझते हो ना, डेसिमल में नहीं हो सकती या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इट हैज टू बी ओनली अ होल नंबर। जीरो इज एक्सेप्टेबल, राइट, जीरो इज एक्सेप्टेबल, दैट इज व्हाई आई हैव सेड होल नंबर। बिकॉज अगर मैं नेचुरल नंबर बोलूंगा तो सिर्फ वन ऑनवर्ड्स ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑर्डर हमेशा पता लग जाएगा। तुम डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे, यू विल बी एबल टू मेक आउट क्या ऑर्डर है। इसका ऑर्डर जैसे क्लियरली देख के पता लग रहा है, दी ऑर्डर इज थ्री, ठीक है। बात आती है डिग्री की, तो डिग्री के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में इन इट्स डेरिवेटिव एक्सप्रेस होने लायक होना चाहिए। अगर वो एक्सप्रेस हो रहा है देन द डिग्री इफ डिफाइंड, राइट, व्हेन डिफाइंड। ध्यान से सब इस बात को ध्यान रखना, दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग, और अभी मैं इस पे और एग्जांपल्स भी दूंगा, टू मेक श्योर दैट नन ऑफ यू इज कंफ्यूज इन दिस, ओके। Of a differential equation is the highest power, ये क्या होती है, highest power of the of positive integer, ध्यान से देख लो, of positive integer only, सिर्फ positive integer ही चलेंगे, negative integers नहीं चलेंगे, ठीक है, of the highest order derivative। जो भी मेरे पास equation में highest order derivative है, जैसे इसमें मेरे पास highest order derivative क्या है, the order is 3, इसकी जो भी power है, इसकी power कितनी दिख रही है हमें, power 1 दिख रही है। तो इसकी degree कितनी होगी बच्चों, इसकी degree हो जाएगी 1।
What is the order of this differential equation? It is 3. What is the degree? It is 1. I hope that is okay. Right, let me give you 2-3 more examples to make sure that it is actually okay. Right, let us take up from the exercise only. Starting ke ek do questions karke dekhte hain. Right, 1, 3, and 5. Teen questions main pick kar raha hu. Theek hai, dhyan se dekhna. Acha, 1, 3, 5 ke jagah pe kuch different pick karna chahunga because ye teenon hi bade simple se question dikh rahe hain. Main chalo 3 le leta hu because dy by dx niche hai aur ek question ye 4th le leta hu. Theek hai, teen question pick karte hain, inko discuss karte hain, dekhte hain. हमें अभी फिलहाल सिर्फ दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, हालांकि इसमें तीन चीज़ें करने को बोला है, लेकिन अभी फिलहाल हम दो चीज़ें सीखें, हम दो चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द डिग्री. ठीक है, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू फाइंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट, बहुत ध्यान से देखोगे, इंपॉर्टेंट है. राइट, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में, कंपटीशन में हर जगह मिलते हैं और ये बहुत क्विक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं. आगे भी इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस बात को समझना जरूरी है. ऑर्डर देखना सबसे आसान होता है. हाई मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 3 बार हुआ है. राइट, तो ऑर्डर देखते हुए मैं फटाफट से ऑर्डर इसका 3 लिख देता हूँ विदाउट एनी टेंशन. थर्ड क्वेश्चन का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे डीवाई बाई डीएक्स है, यहाँ डीवाई बाई डीएक्स नीचे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार डिफरेंशिएट हुआ ना तो ऑर्डर तो 1 ही होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम. फोर्थ क्वेश्चन में अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे वो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है. तो ऑर्डर देखना तो बहुत ही सिंपल है. आई होप द ऑर्डर थिंग इज प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी सिंपल बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है. हमें क्या बोला गया था, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए इन डेरिवेटिव्स. तो ठीक है, ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है तो सही. राइट, मेरे पास जितनी भी पार है, इसकी पार कितनी है, इसकी पार 1 है, इसकी पार कितनी है बच्चों, इसकी पार भी 1 है, इसकी पार कितनी है, 2 है. सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके. राइट, ई रेज पार टी क्या है, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे. राइट, तो इसका मैं डिग्री क्या बोलूंगा, इसका डिग्री हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी मेरे पास मैक्सिमम ऑर्डर है, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 3, उसकी जो पार है ना उसी को डिग्री बोलते हैं. यानी मैं इसमें इसकी डिग्री कितनी बोलने जा रहा हूँ बच्चों, द डिग्री इज 1. बिकॉज जो थर्ड ऑर्डर है उसकी डिग्री कितनी है, राइट, उसकी पार कितनी है. राइट, अगर इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव अगर dx by dt होता, ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग उस केस में देखते हैं. आई होप दैट इज ओके. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बार देखना चाहूँगा. क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा तुम्हें ठीक करके देखना चाहिए, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, बट स्टिल देखो कैसे देखना चाहिए. मैं इसमें क्या करूँगा, LCM ले लूँगा, dy by dx LCM लूँगा. जब मैं LCM लूँगा dy by dx, तो बताओ कैसा हो जाएगा, ये dy by dx का होल क्यूब बनेगा. राइट, और ये प्लस आएगा और ये जो एलसीएम आ चुका है तो ये डीवाई बाई डी एक्स किधर चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा. तो नाउ दिस इज द इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जहाँ पे सबकी जो पार है वो कितनी है, 1 है. तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ, ऑर्डर तो वैसे ही देख लेते हैं बिना कुछ किए हुए. डिग्री की बात करें तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन चुका है, हाँ बन चुका है. तो अब हम इसकी डिग्री बता सकते हैं. डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम ऑर्डर की जो मैक्सिमम पार होती है. तो मैक्सिमम ऑर्डर की मैक्सिमम पार कितनी है, इट इज 3. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3. I hope it is okay, children. Okay. Fourth question. थोड़ा सा अच्छा है, right? It's slightly better. तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखेंगे आप लोग. Question number 4 में degree में तो order में तो कोई tension नहीं है, right? दो बार differentiate हुआ है, the order is coming out to be 2. That is fine, right? अब हमें ये देखना है कि इसकी value क्या होगी. तो चलो देखते हैं, आइए पहले इस equation को लिखते हैं. ये equation है मेरे पास under root of 1 plus dy by dx whole square, and that is c times d2y over dx square, that is 1/3. ये जो अंडर रूट है, क्या मैं इसको raise to the power 1/2 कह दूँ? ठीक है, क्या होते हैं ये, रेडिकल्स होते हैं. कभी भी अगर पार आपकी जो है वो डेसिमल में होती है तो उसी को हम लोग रेडिकल्स भी कहते हैं. ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो इसकी टर्मिनोलॉजीज आपको 100% पता होनी चाहिए. अब मैंने क्या बोला, इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, यानी कि जो हमारी जो पार होनी चाहिए किसी भी चीज़ की वो सिर्फ होल नंबर्स हो सकती है. राइट, तो अगर इधर 1/2 है, इधर 1/3 है, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूँ तो फ्री हो जाएगा ना. दोनों तरफ क्या कर दूँ, क्यूब कर, अच्छा क्यूब करूँगा तो क्या होगा, इधर ये तो बन जाएगा कि ये 3/2 बनेगा, बात नहीं बनेगी. हम किस क्या लेना चाहिए, हमें 6 से कर देना चाहिए. तो मैं आई एम रेजिंग द पावर टू 6 ऑन बोथ द साइड्स. व्हेन आई डू इट बाय 6 ऑन बोथ द साइड्स, Now this is fine. What is this? This is 1
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर वॉट होल पावर 3 एंड वॉट इज दिस दिस इज सी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड होल पावर इज वॉट 2. अब ये क्या ओपन करके आएगा इसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड रैदर वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड. हमें तो सिर्फ ऑर्डर और डिग्री से मतलब है एट दिस स्टेज राइट. तो ऑर्डर तो वॉज ऑलरेडी डन. डिग्री क्या होता है जो हाइएस्ट ऑर्डर की मैक्सिमम पावर होती है जब ये सब कुछ मेरे पास होल नंबर में आ चुका है. जब मैं इस होल क्यूब को ओपन भी करूंगा तब भी तो ये एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जहाँ पे कोई भी पावर मेरे पास फ्रैक्शन में नहीं है या फिर नेगेटिव नहीं है ठीक है ना. तो यहाँ पे मुझे ये पता लग जाता है कि इसकी डिग्री कितनी है दैट डिग्री इज 2 ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ी और ऐसी मेहनत तुम्हें एग्जाम में भी करनी पड़ेगी ये ध्यान रखना ठीक है. पहले दो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे. फोर्थ क्वेश्चन मुझे उम्मीद है थोड़ा बेहतर समझ में आएगा. इसका आंसर मैच करेंगे राइट क्विकली मैच द आंसर 1, 3 एंड 4 का चेक करते हैं क्या दे रखा है इन्होंने 1, 3 एंड 4 ओके 1, 3 एंड 4 राइट. 1 में ऑर्डर इज 3 डिग्री इज 1 3 में द ऑर्डर इज 1 डिग्री इज 3 एंड 4 इट इज 2 एंड 2 ठीक है बच्चों. तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप सभी को ये बात समझ में आई होगी ठीक है. अभी मैं और एग्जांपल्स भी करूंगा बट उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसको भी हम सीखेंगे दैट इज अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस राइट. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं तो ज़रा यस लिख के बताओ अदरवाइज आर लिख देना ठीक है. जल्दी करो टाइप इट फास्ट प्लीज डू इट फास्ट जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स. सो इट इज़ ऑल ईजी विदाउट एनी प्रॉब्लम. रिलैक्स होकर के सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ठीक है. वेरी गुड थैंक यू थैंक्स फॉर द कन्फर्मेशन. अब यहाँ पे हम ये देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं राइट. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है. जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ते हैं राइट. ये काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना है. इसका हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे. तो उससे पहले ये समझ में आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ठीक है. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे लास्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 ओके. ऑर्डर 1 वहाँ पे पढ़ेंगे. चलो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दोज इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल नाउ यू नो व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की बात कर रहा हूँ या फिर मैं डी टू एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो मुझे देख के ही समझ में आना चाहिए कि ये जो नीचे जो टर्म जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वो हमेशा क्या होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है राइट. तो डिपेंडेंट अगर डिवाइड बाय डीएक्स वाला टर्म है तो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वाई राइट. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसको यहाँ पे समझने की जरूरत है राइट. इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर राइट. जो भी हम देखेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी सिर्फ फर्स्ट डिग्री ही हो सकती है राइट. सिर्फ फर्स्ट डिग्री हो सकती है यानी वाई की पावर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसमें वाई की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है 1 हो सकती है ठीक है. और जितने भी मेरे पास डिफरेंशियल्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव जो उसके डेरिवेटिव्स हैं राइट उसकी भी डिग्री कितनी होनी चाहिए सिर्फ फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है राइट. द ऑर्डर कैन बी 2, 3, 4, 5 एनीथिंग बट उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए सिर्फ 1 होनी चाहिए. इसको हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. अदरवाइज क्या बोल लोगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है. और इस पे भी एग्जांपल्स करते हैं ताकि इस पे हम ज्यादा क्लैरिटी डेवलप कर सकें. लेट अस डू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस ओके. यहाँ पे विल गेट बैक टू द क्वेश्चंस एंड विल सी क्या हमारे पास कंडीशन बन रही है राइट. जैसे देखो हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे किए थे इसमें लीनियर और नॉन लीनियर वाली बात भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं ठीक है. 3 बातें हम लोगों ने 2 बातें इन 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस की थी. अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि वेदर इट इज़ लीनियर और इट इज़ नॉन लीनियर. तो एज पर द डेफिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि जो जितने भी डिफरेंशियल्स हैं उसकी पार कितनी होनी चाहिए बच्चों उसकी पार मेरे पास 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे ये तो नॉन लीनियर हो गया. क्यों? क्योंकि मेरे पास dx by dt इसकी पावर 2 आ गई राइट. इसकी पावर मेरे पास कितनी आ गई 2 आ गई. तो इट इज़ व्हाट इट इज़ नॉन लीनियर ठीक है ओके. अब अच्छा इसमें एक चीज़ और बोली थी क्या कि जो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल राइट यानी कि x
एक्स की मैक्सिमम पार, तो एक्स की इसमें मैक्सिमम पार कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, दैट इज ओके. उसकी मैक्सिमम पार कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, राइट. एक्स की मैक्सिमम पार वन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है. तो यहाँ पे फिलहाल ये नॉन लीनियर क्यों है? बिकॉज द डी एक्स बाई डी टी जो इसका डिफरेंशियल है उसकी पार मोर देन वन है, विच इज नॉट अलाउड. अगर वन होती है तभी लीनियर होता है, अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आओ, इसको डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी देखो, ये डिवाइड एक्स की पार कितनी बन गई थी? क्यूब बन गई थी. तो क्यूब बन रही थी तो ये भी क्या हो गया? नॉन लीनियर हो गया. यहाँ पे भी पार्स हैं तो ये भी क्या हो गया तुम्हारे पास? नॉन लीनियर हो गया. यानी कि वन थ्री फोर तीनों में ही ये नॉन लीनियर होना चाहिए. ओके, आइए इसको चेक करते हैं और फिर से इस पर कुछ और क्वेश्चन भी लेते हैं. राइट, इनफैक्ट इस पूरे एक्सरसाइज में आपके पास जो भी क्वेश्चन हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चन किए थे मैंने? आई थिंक वन थ्री एंड फोर, आई डोंट नो, शायद ये होंगे. तो वन इज नॉन लीनियर, थ्री इज नॉन लीनियर एंड दिस इज नॉन लीनियर. सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन में लीनियर दे रखा है. आओ जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्या तुम समझ पा रहे हो कि लीनियर है? राइट, तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. इसकी पार कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी ऑर्डर कितनी है? दी ऑर्डर, राइट, इट इज अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट इसकी ऑर्डर की डिग्री कितनी है? डिग्री इज वन. तो कभी भी अगर डिग्री वन है तो वो क्या है? लीनियर है. और जो तुम्हारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी भी मैक्सिमम पावर कितनी है? वन है. अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर होता तो ये नॉन लीनियर होता, ध्यान रखना. बट क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी वन तक ही अलाउड है, तो मेरे पास वन ही है यहाँ पे. तो इट इज व्हाट? इट इज लीनियर. दैट इज वाई सेकेंड क्वेश्चन, इट इज व्हाट? इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. ओके, आइए थोड़े और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स सी, ये तीनों चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करना चाहेंगे, ठीक है. दिस इज ईजी, इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग. इफ यू आर क्लियर इन दीज थिंग्स ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ यू नो गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट इन द टॉपिक्स टू कम. सो लेट अस टॉक अबाउट ऑर्डर, डिग्री एंड वेदर इट इज लीनियर और नॉन लीनियर. सो व्हाई डोंट यू आर रेडी विद योर टाइपिंग कीज, राइट? लेट्स गो फॉर अ क्विक question answer round, right? You just have to write order, right? Let's say the order is 3, example, right? Degree is 2, so aap likho 3, 2, L. Agar aapka response hai 2, 3, NL, theek hai? That is how you are going to respond, okay? Let's go for a quick question answer round. Let's say question number 9, question number 11, question number 13, question number 15, question number 17, question number 19. We are doing it all. I give you 3 minutes. Type in your answer. Just like this. Okay? 3, this, this. That's all. I'm putting the video on pause. Fine. Let's see here. So, question number 9. मैं अगर order की बात करूँ तो बहुत clearly दिखता है कि दो बार differentiate हुआ है, the order is 2. Degree की बात करूँ तो यहाँ पे ये बात भी बहुत आसानी से समझ में आती है कि डी टू एक्स ओवर डी स्क्वायर है और maximum इसकी जो पार है वो 1 है, तो degree is coming out to be 1. लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो इसके लिए मैं ये देखूंगा कि मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में कितना? x है. ये डिपेंडेंट वेरिएबल इज x. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पार कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. यहाँ पे x की मैक्सिमम पार कितनी है? 0 है. तो यस, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज व्हाट? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. y स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ dy बाई dx नहीं है बच्चों, इट इज dx बाई dy, rather डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है. तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x है. तो y स्क्वायर या y से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस बात को आपको समझना है, ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, अगेन सबसे इजी चीज क्या देखनी होती है? ऑर्डर. ऑर्डर देख लो, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, राइट. द ऑर्डर इज 2. डिग्री भी देखने में कोई परेशानी नहीं आ रही है. क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिग्री देखता हूँ तो डिग्री मुझे दिख रही है जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पार कितनी है? उसकी पार मुझे 3 दिख रही है. कोई रेडिकल्स नहीं है, कोई नेगेटिव पार नहीं है, तो इट इज ऑलरेडी इन द पॉलिनोमियल फॉर्म. इट्स अ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस द डिग्री इज ऑल्सो वेरी मच विजिबल. इट इज कमिंग आउट टू बी 3, राइट. लीनियर है कि नॉन लीनियर है? डेफिनेटली नॉन लीनियर है, क्योंकि पार कभी भी 1 होनी चाहिए ना, चाहे डेरिवेटिव्स हैं या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों की पार कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 1 होनी चाहिए. इसलिए इट इज व्हाट? इट इज नॉन लीनियर. क्वेश्चन नंबर 13, एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स. अच्छा, अभी इस पर थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ जाएगी, हमें देखना पड़ेगा क्या है. तो ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, और देखो करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे करना चाहिए था. ये तुम्हारे पास आ गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है. जो दूसरी वाली चीज़ है उसको मैं राइट साइड पर ले जाता हूँ, तो डी वाई के साथ जो कोफिशियंट्स हैं कि नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं उसकी पोजिशन चेंज करता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई कर देता हूँ,
आई एम श्योर यू आर कम्फर्टेबल विद दैट. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि ये डी वाई बाई डी एक्स है या फिर डी एक्स बाई डी वाई है, तो मैं ये देखूँगा किसकी पार मुझे वन दिख रही है सब जगह पे. तो वाई भी है, वाई स्क्वायर भी है और एक्स स्क्वायर भी है. तो क्योंकि वाई स्क्वायर भी है और एक्स स्क्वायर भी है, तो कहीं ना कहीं ये लीनियर तो नहीं हो पाएगा. क्योंकि अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो वाई मेरा डिपेंडेंट होगा, डी एक्स बाई डी वाई करूँगा तो एक्स डिपेंडेंट होगा. बट दोनों ही क्योंकि पार मोर देन वन है, यहाँ पे वाई की पार मोर देन वन है और यहाँ पे एक्स की पार मोर देन वन है, तो क्वाइट ऑब्वियस हम इसको सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे. तो मैं सिंपली इसको डी वाई बाई डी एक्स चेक करता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है. लेट अस चेक दैट. तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स रखा, डी वाई बाई डी एक्स रखा है. तो बाकी चीज़ों को एक तरफ लेके जाते हैं. यहाँ मैंने एक्स कॉमन लिया तो ये मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस वन, राइट. और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमने करा है तो वाई कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और माइनस वन. ठीक है, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो कुछ ऐसा सा आ रहा है हमारे पास, राइट. अगर हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट. अगर आप, बिकॉज पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए. हाँ, इतनी बात तो क्लियर हो जाती है. चलो पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं. कि अगर मैं देखूं कि डी वाई बाई डी एक्स का मेरे पास मल्टीपल क्या है, तो इट इज़ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, राइट. तो ऑर्डर और डिग्री देखने में तो कोई तकलीफ नहीं हो रही. दिस इज द फाइनल थिंग, दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट दैट आई विल गो फॉर. सो ऑर्डर विदाउट एनी प्रॉब्लम, दैट इज वन. एंड डिग्री, दैट इज अगेन वन, नो प्रॉब्लम, राइट. बिकॉज द मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है, ऑर्डर है, उसकी पार कितनी है, वन है. अब क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई. वाई का मेरे पास मैक्सिमम पार कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए. बट यहाँ पे आई कैन सी वाई स्क्वायर टर्म, इट इज, इसीलिए मैं तो क्या बोलूंगा, इट से इट नॉन लीनियर. ठीक है, सो लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्यों है, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए. अगर ये वाला क्वेश्चन तुम सबको समझ में आ गया तो जरा सा हैंड रेज करके बताओ. जस्ट रेज योर हैंड, क्विकली रेज योर हैंड इफ इट इज ओके. सर, इसके लीनियर और नॉन लीनियर बता दीजिए. मैंने आपसे ये कहा लीनियर नॉन लीनियर के लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ इतनी सी बात देखनी होती है कि जितने भी डिफरेंशियल्स हैं उसकी मैक्सिमम डिग्री वन होनी चाहिए. तो मेरे पास एक ही डी वाई बाई डी एक्स है, उसकी डिग्री वन है, राइट. और दूसरी चीज़, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पार वन हो सकती है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास क्या है यहाँ पे, वाई है. वाई की मैक्सिमम पार मुझे कितनी दिख रही है, यहाँ तो वन दिख रही है बट इधर क्या दिख रही है, वाई स्क्वायर दिख रही है. तो y की मैक्सिमम पार कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए. क्योंकि y की मैक्सिमम पार टू है, इसीलिए ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके अभिषेक, राइट. यस सर, बचे हुए क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर इकट्ठे सबका आंसर मैच करेंगे. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15, 17, 19 भी डिस्कस करते हैं. लेट अस सी दिस 15th, देखते हैं 15th में. अब देखो ये अभी तो ये फॉर्म ठीक नहीं है, है ना. इसका रेडिकल पार जो है 2/3 है, तो पहले इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा. हालांकि ऑर्डर देखने के लिए कुछ ठीक भी करने की भी जरूरत नहीं है. व्हाट इज द ऑर्डर इज टू विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब क्या करूँ, दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ. व्हेन आई क्यूब इट, तो मेरे पास ये इक्वेशन कैसी बन रही है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. नाउ दिस इज फाइन, राइट. अब इसकी पार जो है वो क्या है, होल नंबर्स में है या फिर नेचुरल नंबर्स में है. ठीक है, एक 3 है और एक 2 है. ओके, तो अब डिग्री क्या होती है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पार होती है. तो मेरे पास यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी. नॉन लीनियर में तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, बिकॉज जितने भी डिफरेंशियल्स होते हैं, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी पार कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. यहाँ पे पार कितनी है, 3, 2 है. तो डेफिनेटली ये क्या है, नॉन लीनियर है. ठीक है, कोई डाउट है तो माइक या चैट बॉक्स यूज़ करके पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता जा रहा है कि हाँ तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे पेस बढ़ती चली जाती है. ओके, फिर 17th क्वेश्चन की बात करूंगा. पार 3/2 है, तो क्या करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ. मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ. हालांकि ऑर्डर देखने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डर तो साफ सभी दिख जाता है. तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो देखो कितना हो गया, ये आ गया मेरे पास 5 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट. ऑन द राइट हैंड साइड आई विल गेट 1 डी वाई बाई डी एक्स की पार कितनी. अब जो भी ओपन करके आ रहा है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, राइट.
ओपन करके मेरे पास जो भी चीज़ आ रही है उससे कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो यहाँ मैं सिर्फ देखूंगा क्यों, बिकॉज देखो ऑर्डर डिग्री नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर तो क्लियरली दिख ही गया तुम्हें, वाई, बिकॉज दी पार इज मोर देन वन, जितने भी डिफरेंशियल्स हैं उसकी पार मोर देन वन दिख रही है। डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो डिग्री कितनी दिख रही है, मैक्सिमम जो मेरे पास पार है, राइट, जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी पार कितनी दिख रही है, टू दिख रही है। तो व्हाट इज द डिग्री, द डिग्री इज टू, राइट। लीनियर है कि नॉन लीनियर है, सर्टेनली इट इज नॉन लीनियर, वाई, बिकॉज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इज मोर देन वन, दैट इज वाई इट इज वॉट, इट इज नॉन लीनियर। ओके, दैट इज हाउ इट कुड हैव बीन डन। ओके, 17, 19 क्वेश्चन भी देख रहे हैं, 19 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा दिख रहा है, और इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ मेरे पास क्या दे रखा है, वाई और पी को इन्होंने बोला है डीवाई बाई डी एक्स, चलो मैं इसको डीवाई बाई डी एक्स लिख लेता हूँ, है ना, दिस कॉल इट डीवाई बाई डी एक्स, और इनटू क्या दे रखा है बच्चों, दिस इज एक्स, राइट, दैट इज एक्स, बहुत बढ़िया। और अंदर मेरे पास क्या दिया, अंदर इन्होंने दिया ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट इज पी, पी इज डी वाई बाई डी एक्स, पी स्क्वायर यानी किसका होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सबसे आसान क्या होता है, ऑर्डर देखना, ऑर्डर कितना है, वन। आई होप यू आर ओके विद द ऑर्डर थिंग, ठीक है। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यूज द माइक और द चैट बॉक्स, मैं चैट बॉक्स अभी पढ़ूंगा, कुछ मैसेज आए हैं मैंने पढ़ा नहीं है, आई जस्ट रीड इट आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर। अब डिग्री देखने के लिए क्या चाहिए, मुझे कोई भी रेडिकल नहीं चाहिए, अभी इसमें रेडिकल क्या है, द पार इज 1/2, लाइक दिस इज नथिंग बट इट इज 1/2, रेडिकल नहीं होना चाहिए कभी भी मेरे पास, जो पार है वो सिर्फ के सिर्फ और सिर्फ जो है वो होल नंबर्स में चाहिए मुझे, राइट, इट कैन शुड नॉट बी एनीथिंग एल्स। तो सबसे पहले अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए क्या करूँ, इसको पहले लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ फिर स्क्वायर करूँगा, है ना, तभी तो ये कम्प्लीटली जाएगा। अभी स्क्वायर करूँगा तो ये वाली चीज़ रह जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो अंडर रूट वाली चीज़ रह जाएगी, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करने से पहले आप क्या करेंगे, यू विल टेक द अदर थिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स, राइट, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन दैट, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब मैं इधर लेफ्ट साइड ले गया और फिर स्क्वायर किया, तो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन आया मेरे पास, नाउ दिस इज फाइन, दिस इज ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नाउ दिस इज एब्सोल्युटली ओके, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ डिग्री की, तो डिग्री मुझे क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, जब मैं इसको भी ओपन करूँगा तो इसका भी तो होल स्क्वायर ही आएगा ना, होल स्क्वायर ही आएगा, तो डिग्री तो कितनी होने जा रही है, डिग्री टू होने जा रही है, यहाँ भी डिग्री टू है, यहाँ भी डिग्री टू है, सो इट इज ऑल फाइन, द डिग्री इज कमिंग आउट टू बी टू। ओके, अब मैं अगर बात करता हूँ इसमें लीनियर नॉन लीनियर, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज जितने भी डिफरेंशियल्स हैं और जो डिपेंड वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पार कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंशियल्स की पार इतनी सारी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होना चाहिए था, और आइए देखते हैं हमारे पास आंसर क्या दे रखा है, फिर कुछ बच्चों का चैट है वो मैं पढ़ता हूँ, पहले एक बार आंसर मैच कर लूँ उसके बाद पढ़ता हूँ, ठीक है। चलो इसको लेके चलते हैं आंसर पेज पे और मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द आंसर इज इम्पॉर्टेंट एंड द एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू। इसका कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये रख लेते हैं, ठीक है। नाइन्थ से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ इट इज 2-1 लीनियर, 2-1 लीनियर। 11th इज 2-3 नॉन लीनियर, 11th इज 2-3 नॉन लीनियर, दैट इज फाइन। 13th इज व्हाट, 13th इज 1-1 नॉन लीनियर, 13th इज 1-1 नॉन लीनियर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आसानी से सारी चीज़ें ठीक होती जा रही हैं, है ना। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट है, जिसको तुमने एक बार पकड़ लिया तो फिर इट्स ऑल इजी। 15 इज व्हाट, 2-3 नॉन लीनियर, 2-3 नॉन लीनियर, दैट इज ओके। 17 इज व्हाट, 2-2 नॉन लीनियर, 2-2 नॉन लीनियर। 19 इज व्हाट, 1-2 नॉन लीनियर, राइट, इट्स ऑल फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब आइए देखें बच्चों का कुछ कमेंट था वो पढ़ लें, क्या है, 15 में नॉन लीनियर क्यों है, 13th क्वेश्चन रिपीट कर दो। अच्छा चलो भाई, देखो दो हैं, दोनों रिपीट कर देते हैं, मैं वीडियो फिर से पॉज कर देता हूँ, अन्य बात फिर नेक्स्ट क्लास में विल सी दैट। तो आइए फटाफट से देखते हैं इसको, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास के बेसिक्स पर भी मैं जाना चाहूँगा अगर टाइम बचेगा तो, लाइक वो भी ईजी है, और लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहूँगा मैं। तो आइए कुछ डिफरेंट डिनोशंस को यूज़ करते हैं, डी वाई डी एक्स पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, आइए थोड़ा सा डिफरेंट डिनोशंस यूज़ करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 22, लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 25, जस्ट टू क्वेश्चंस, ओके। तो अगेन आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स फॉर द आंसर, राइट। यू हैव टू फाइंड वेदर दे आर, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द डिग्री, एंड वेदर दे आर लीनियर और नॉन लीनियर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, 2 मिनट्स। When you did higher order derivatives, so y double dash, y triple dash, this you have done. So what is the meaning of that? It is the meaning that d2y over dx square.
ठीक है, और इसकी बार कितनी है, इसकी बार 2 है. y डैश कितना है, y डैश इज नथिंग बट dy by dx, राइट, दैट इज y डैश एंड द बार इज 3 एंड प्लस sin y, वी हैव प्लस sin y. ओके, इफ आई टॉक अबाउट कि ये मेरे पास ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, राइट, और ये लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, इसकी बात करो, तो बहुत आराम आराम से हमें सोचना है. ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, कि ऑर्डर सर्टेनली इज 2. डिग्री क्या है, जो भी मैक्सिमम ऑर्डर की पार है वही डिग्री है, अगर वो पॉलिनॉमियल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो पॉलिनॉमियल फॉर्म में ही ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है, राइट, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, द डिग्री इज ऑल्सो 2. लीनियर है कि नॉन लीनियर है, राइट, तो उसके लिए मुझे क्या बोला गया था कि वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पार कितने, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मेरे पास यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और देखो एक तो वो चीज़ है, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ तुम्हारे पास जितने डिफरेंशियल्स हैं, इसकी भी पार, इसकी भी डिग्री 1 होनी चाहिए थी, तो डिग्री यहाँ पे मोर देन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ज़्यादा कोई टेंशन ही नहीं है, ये क्या है, इट इज़ नॉन लीनियर. तो 22 का आंसर इस तरीके से 2 2 NL होना चाहिए, 2 2 NL, राइट, चेक करें 22 का 2 2 NL. ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो माइक यूज़ कर लो या चैट बॉक्स यूज़ कर लो, बट प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ क्लियर टू यू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ बेसिक, इट मस्ट बी क्लियर, ओनली देन वी कैन यू नो मूव अहेड टू बेटर कॉन्सेप्ट एंड बेटर क्वेश्चन. ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंक्रीज माई स्पीड, आई एम डिस्कसिंग, आई हैव डिस्कस्ड एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, मोर देन 10 क्वेश्चंस इन टुडेज़ क्लास, जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज़ क्लियर, देर शुड बी नो कन्फ्यूजन टू एनी वन अमंग यू. ओके, सो लेट्स सी, ऑल्दो आई एम रिकॉर्डिंग इट एज वेल, आई पुट द क्लास ऑन, आई मीन ओवर द प्राइवेट ग्रुप में, उस पर डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है, ओनली फॉर यू पीपल, प्राइवेटली ही आजकल मैं सब कुछ अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता उसको सही ढंग से डालने का. चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी क्वेश्चन 25. क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, ये d2y/dx² dy/dx का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये जस्ट log ऑफ d2y/dx². तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर में तो कोई टेंशन नहीं है, कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार, तो ऑर्डर कितना है, 2. डिग्री की बात करूं तो ये क्या होना चाहिए, पॉलिनॉमियल होना चाहिए, कभी भी कोई भी डिफरेंशियल, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, कभी भी कोई भी डिफरेंशियल, चाहे वो d2y/dx² है, dy/dx है, या d3 कुछ भी है, अगर वो किसी फंक्शन के अंदर आ गया, चाहे वो लॉग के अंदर चला गया या साइन के अंदर चला गया, राइट, तो उसकी डिग्री हमेशा अनडिफाइंड होती है. द डिग्री इज वॉट, द डिग्री इज नॉट डिफाइंड, यू से द डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम उसको पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बार, अगर तुम इवन इफ यू ट्राई टू रिमूव इट फ्रॉम लॉग एंड इफ यू टेक एंटी लॉग और यू टेक इट इन द पावर ऑफ ई, अगर तुम लॉग की प्रॉपर्टीज भी यूज करते हो, दैट लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू वाई एंड यू वॉन्ट टू से दैट यस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर वाई, तो इवन देन वट विल हैपन, ये तुम्हारे पास ये वाली जो चीज है ये e में चली जाएगी, मतलब कभी भी तुम्हारा कोई डिफरेंशियल किसी फंक्शन के अंदर बंद नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफरेंशियल एक्सप्रेशन किसी फंक्शन के अंदर बंद नहीं होना चाहिए, अगर वो किसी भी फंक्शन में बंद है, चाहे वो e की पावर में है, साइन में है, लॉग में है, कहीं पे भी है, तो ध्यान रखना उसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी, इट इज नॉट डिफाइंड. आई होप दैट इज ओके. ओके, इफ आई टॉक अबाउट लीनियर और नॉन लीनियर, अगेन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैं यहाँ पे पार इसकी 2 देख रहा हूँ, तो नॉन लीनियर बोलने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है, सो इट शुड बी 2 नॉट डिफाइंड एंड नॉन लीनियर. 25th क्वेश्चन, 2 अनडिफाइंड एंड नॉन लीनियर, इज इट फाइन बच्चों, इफ येस जस्ट टाइप FAB इन द कमेंट बॉक्स एंड देन आई टेक यू टू द नेक्स्ट टॉपिक. आई वुड लाइक टू यूज द लास्ट 6 मिनट्स, लाइव आजकल हम लोग कम मिल रहे हैं, तो सर्टेनली मैं इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहूंगा. ओके, बी क्विक, बी फास्ट. And make sure you finish the exercise after the class. You have done most of the concept, all the concepts and most of the questions. ठीक है? हर type के question मैंने तुम्हें class में करा दिए हैं. But बचे हुए जो questions बचते हैं, make sure you are doing them again. Okay? Fine then. Let us move to the next topic. That is again, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारा relevance बढ़ता जाता है, ध्यान रखना. ठीक है? So coming to the next topic, like 5 मिनट हैं, बस इतना ही करेंगे, because फिर 11th का batch भी अभी है, and then I have to rush to the hospital. You know that. द गुड साइड इज दैट कल इवनिंग से मेरे ताऊजी थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेने लग गए हैं, उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, वो भी ऑक्सीजन पे हैं, तो आई जस्ट होप ही रिकवर्स, राइट, तो मतलब कल से आज तक थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, दैट शुड कंटिन्यू होपफुली, लेट्स सी. तो चलो देखो,
फैमिली ऑफ कर्व्स एंड आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, पहले ये समझना है, इससे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें. फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होते हैं? लाइक जैसे मैं अगर बात करता हूँ, इफ आई टॉक ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, राइट, फैमिली ऑफ सर्कल्स विच सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो कोई भी जो मेरे पास सर्कल है जिस जो कि ओरिजिन पे उसका सेंटर है, तो उसका फॉर्म क्या होता है बच्चों? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट. दैट इज व्हाट, दैट इज अ फैमिली ऑफ सर्कल. क्यों फैमिली ऑफ, इसको फैमिली ऑफ सर्कल क्यों बोलते हैं बेटा? इसको फैमिली ऑफ सर्कल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्कल्स पॉसिबल हैं, राइट. दिस इज अ सर्कल विच इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन, राइट. अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए, देयर वुड बी डिफरेंट सर्कल्स, राइट. अगर मैं बड़ा ए ले लूँ तो एक बड़ा सर्कल बन जाएगा, और बड़ा अगर ए ले लूँ तो और बड़ा सर्कल हो जाएगा. तो ये क्या, इट इज अ फैमिली ऑफ सर्कल. हाँ, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि ये सब के सब कहाँ है, इसके सेंटर कहाँ पे है? इसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन पे है, ठीक है. तो इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व, तो फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है. अगर मैं सिमिलरली अगर मैं पैराबोला की बात करता हूँ, राइट, इफ आई टॉक ऑफ द पैराबोला, लेट्स से आई टॉक ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, राइट, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स. तो बच्चों ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना, एक ऐसा होता है. अब ये जो पैराबोला है तुम्हारे पास, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो कैसा हो जाता है? ये इधर को मुड़ जाता है, राइट, लेफ्ट साइड को जाता है, लेफ्ट हो जाता है ना. ये सारी बातें आप पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हो, विद इन अ वीक हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं. तो फैमिली ऑफ कर्व से क्या होता है, हमें वो सारे कर्व्स मिलते हैं, राइट. और कैसा पैराबोला हो सकता है? ये ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस. कैसे पैराबोला हो सकते हैं? ये एक्चुअली क्या होती है, ये इसके लेटेस्ट रेक्टम पर डिपेंडेंट होती है, राइट. इलेवेंथ में जिन्होंने ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई की है उनको ये सब बातें आसान लगती हैं, बाकियों को लगता है अरे हाँ पढ़ा तो है बट कुछ ध्यान से निकल रहा है, ठीक है. तो इस ए पे डिपेंडेंट होती है, राइट. लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? लेटेस्ट रेक्टम इज 4a. फॉर एनी पैराबोला ऑफ दिस सॉर्ट द लेटेस्ट रेक्टम इज 4a. तो डिफरेंट पैराबोलाज पॉसिबल है. इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रेट लाइन्स पॉसिबल हैं. अगर मैं बात करूँ किसी स्ट्रेट लाइन की विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट, और स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. ये भी बहुत अच्छा नहीं बना, राइट, क्योंकि तुम ये समझो ये ओरिजिन है, ओके. अरे यार ये क्या बना रहा हूँ, ओके, ये कुछ ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट. तो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? वाई इक्वल टू एम एक्स होती है. अभी मैंने स्ट्रेट लाइन्स का मैंने काफ़ी वीडियो भी शेयर किया है, राइट. वाई इक्वल टू एम एक्स होती है, उसमें जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना होता है? जीरो होता है. तो वाई इक्वल टू एम एक्स, ठीक है. तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम यू हैव डिफरेंट फैमिली ऑफ कर्व्स. ये सब क्या है? जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है. अब फैमिली ऑफ कर्व्स में ये तो समझ में आ गई फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है. जैसे दिस इज व्हाट, दिस इज अ फैमिली ऑफ सर्कल विच इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन. दिस इज अ फैमिली ऑफ पैराबोला, राइट, हुज वर्टेक्स इज लाइंग एट द ओरिजिन. इसका वर्टेक्स कहाँ पे? ओरिजिन पे है, ठीक है. एंड द एक्सिस इज व्हाट, द एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है. ये वाला जो पैराबोला होता है इसकी एक्सिस क्या होती है? वाई एक्सिस होती है, ध्यान रखना, ठीक है. दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस. अब देखो 11th क्लास की जो कोनिक सेक्शन है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है. आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स क्या है? आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो जिसकी वैल्यू चेंज करने के लिए ये कर्व चेंज रहता है. m इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा, है ना. m की वैल्यू चेंज करेंगे तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन चेंज होती जाएगी, ऐसी a चेंज करूंगा तो सर्कल चेंज होता जाएगा. तो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट क्या है? ये होते हैं, ठीक है. अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने में आखिर फैमिली ऑफ कर्व्स और आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट को हमें समझना कैसे है. तो ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंशियल्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, और उसमें एक भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट नहीं होता है, एक भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ठीक है. अब डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट में बड़ा स्ट्रेट रिलेशन है, ध्यान रखना. कभी भी अगर तुम्हारे पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट एक है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा वन होगा. अगर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट दो है तो उसका ऑर्डर कितना होगा? टू होगा, ठीक है. मेरी बात समझ में आनी चाहिए आपको. आइए एक एग्जांपल करते हैं, ऑल्दो इट्स 4 o'clock एंड आई हैव माय क्लास एट 4:30, ओके, बट दैट इज ओके. आई विल क्विकली टेक यू टू वन सच एग्जांपल. लेट्स से आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एम एक्स, एलिमिनेटिंग एम. ऑब्वियसली बात है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ठीक है. कितना आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट दिख रहा है तुम्हें इसमें? एक दिख रहा है. मतलब तुम इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? इसकी ऑर्डर कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकती है? मैक्सिमम ऑर्डर बन सकती है, ठीक है. तो देखो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एम एक्स, राइट. आप सब लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ करके आए हो, तो अब आपको इन चीज़ों में कोई, इसी दैट इज द रीजन वी स्टडीड एट द लास्ट, राइट.
अगर मैं यहाँ पे dy by dx की बात करूँ बेटा, तो dy by dx क्या हो जाता है, e raise to the power mx, और m प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब चेन रूल लगेगा, m आ जाएगा नीचे। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से m हटाना है, आई नीड टू रिमूव m। ओके, तो m हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वट कैन आई डू। ओके, मुझे ये समझ में आता है ये जो dy by dx है और ये वाली चीज़ क्या है, ये y है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m into y। यानी m के बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं m के बारे में कह सकता हूँ कि इट इज dy by dx over y, I'll say that। Now, the differential equation which is free from the arbitrary constant which they have already mentioned, eliminate m, right? That is the acceptable differential equation। यानी मैं इस इक्वेशन में सिंपली m के जगह पे क्या रखने जा रहा हूँ, ये वैल्यू रखने जा रहा हूँ, इज दैट द फाइनल आंसर, दैट शुड बी द फाइनल आंसर। आओ चेक करते हैं क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर m, m की जगह पे क्या रखा मेरे बेटा, इट इज dy by dx ओवर y into x, ठीक है। इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एक्सेप्टेबल, आई बिलीव सो, राइट, दैट शुड बी द आंसर। आओ जरा चेक करेंगे, कंट्रोल सी, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, फाइन, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर गिवन, राइट। अब देखो इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, आप भी लॉग लेना जानते हो, राइट, जब ये सारी चीज़ क्या है, ई की पार में है, राइट, दिस आर ऑल ई की पार, तो मैं अगर इसमें लॉग लेता तो क्या बनता, और चेक कर लो, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई, और log e टू द बेस क्या हो जाता है, वन हो जाता है, और ये वाली चीज़ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, तो क्या आएगा बताओ, दैट विल बी डीवाई बाई डी एक्स एंड होल मल्टीप्लाई टू वॉट एक्स बाई वाई। इस y को उठा करके तुम अगर इधर मल्टीप्लाई कर दो, यू आर डन विद द जॉब। y log ऑफ y इज इक्वल टू x टाइम्स डीवाई बाई डी एक्स, होपफुली दैट इज वॉट दे हैव गिवन एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इवन इफ यू लीव द आंसर एट दिस फॉर्म, दैट इज एक्सेप्टेबल, नो इशूज, that is absolutely fine as a differential equation, this is acceptable, but yes, yahan se yahan tak kaise pahunchte hain ye bhi tumhe pata hona chahiye using log। So stop it here children, right, zyada main isme aage nahi badh raha hu, but ha maine